हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वीडियो। आज का अपना जो विषय है, आज का अपना जो टॉपिक है, दैट इज इंस्टेंट नूडल्स। सॉरी, इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, इंस्टेंट स्क्वायर। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालना देखेंगे, वो सीखेंगे आज। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए, आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को दो कैटेगरी में डाल देंगे, विल पुट दैम इनटू टू कैटेगरीज। हम उसको दो भाग में विभाजित करेंगे। ऐसी संख्याएं जिसके अंत में पांच आता हो, मतलब नंबर्स दैट एंड इन फाइव, नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस में पांच आता हो। दूसरी ऐसी संख्या है जिसके अंत में पांच नहीं आ रहा है, जिसके यूनिट्स प्लेस में पांच नहीं आ रहा है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद वो संख्या से, वो नंबर से जिसके अंत में पांच आता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हमको ढूंढना है 15 का वर्ग, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 15। 15 का हमको वर्ग ढूंढना है, एकदम सिंपल। करना क्या है, पांच को हमें नहीं देखना है, पांच को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करो, उसको इग्नोर करो, पांच को हटा दो। कौन सा नंबर बचा अभी, वन। वन के बाद नेक्स्ट नंबर इज टू, काउंटिंग नंबर्स भाई, नेचुरल नंबर्स। वन के बाद नेक्स्ट नंबर इज टू, दोनों को गुणा कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वन इंटू टू इज टू, बस आगे 25 लिख दीजिए, खत्म। 15 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, 225, ठीक। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हमको ढूंढना है 35 स्क्वायर, 35 का वर्ग हमको खोजना है। तो अपना आइडिया कैसा है, पांच को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करो। दूसरा कौन सा नंबर बचा, थ्री। थ्री के बाद नेक्स्ट नंबर इज, थ्री के बाद कौन सा नंबर आता है, चार। गुणा कर दो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, थ्री इंटू फोर इज 12, आगे 25, खत्म। नाउ एक कुछ कुछ और एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 65 लेते हैं, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 65, 65 का हमको वर्ग खोजना है। आइडिया, फाइव गया, कौन सा नंबर बचा, सिक्स। सिक्स इंटू नेक्स्ट नंबर इज सेवन, सिक्स सेवन जा 42, आगे 25 लिख दीजिए, खत्म। अब कुछ बड़े नंबर पे चलते हैं अपन। जैसे 95 स्क्वायर, हमको 95 का वर्ग खोजना है, हमको 95 का स्क्वायर ढूंढना है। पांच गया, पांच हटा दो, कौन सा नंबर बचा, नाइन। नाइन के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, टेन। तो नाइन इंटू टेन इज 90, आगे 25, खत्म खत्म खत्म। तो इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या देखा, ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना सीखा हमने, ऐसे नंबर का वर्ग निकालना सीखा जिसके एंड में पांच आता है, जिसके यूनिट्स प्लेस में पांच है। तो दूसरा कैटेगरी क्या है अभी, जिसके अंत में पांच नहीं है, ठीक ठीक ठीक। इवन दैट इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सपोज हमको ढूंढना है 62 का स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 62। तो इसमें हम एक परिमेय का, एक आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी है ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखते हैं ना फ्रेंड्स कि स्क्वायर में तीन टर्म होता है। अगर हम ध्यान से देखें स्क्वायर को, अगर हम स्प्लिट करें तो तीन भाग में आ गया, तीन टर्म्स आ गया। पहला ए स्क्वायर, दूसरा 2ab, तीसरा बी स्क्वायर। तो वैसे ही जब हमको स्क्वायर खोजना है, हम अपने स्क्वायर को तीन भाग में तोड़ेंगे, उसको तीन भाग में ढूंढेंगे। मुझे भाई 62 स्क्वायर नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, हाँ लेकिन 6 का स्क्वायर तो मालूम है ना, 6 का वर्ग तो मालूम है ना, 2 का वर्ग तो मालूम है ना, अपना काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 62 स्क्वायर, चलो स्क्वायर को हम तीन भाग में तोड़ेंगे, इसको हमने तोड़ दिया तीन भाग में। अच्छा बच्चा, अभी यहां क्या लिखना है, यहां देखिए राइट हैंड साइड में देखो, यहां क्या लिखना है अपने को, बी स्क्वायर, बराबर। b के जगह पे यहां क्या है, 2, मतलब यहां हमको लिखना है 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इज 4, सिंपल। बीच में क्या करना है, ये कमरा किसके लिए, ये कमरे में क्या भरना है, 2ab। a कितना है, 6, a इंटू बी इज 12, 12 का 2ab ना, 12 का दो गुना, 12 का डबल कितना हो गया, 24। तो यहां हमने लिख दिया 4 कैरी 2। पहला जो खाना है, पहला जो कमरा है, उसमें क्या लिखना है अपने को, ए स्क्वायर, बराबर। तो ए के जगह पे यहां क्या है, 6। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 6 स्क्वायर 36 और ये दो 38। तो स्क्वायर ऑफ 62, 62 का वर्ग क्या हो गया, 3844। ऐसे ऐसे अगर हमको सिर्फ 0 से लेकर 9 तक का स्क्वायर मालूम है ना, वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा अभी अभी शायद तुम लोग को ये लगे कि इतना करने से अच्छा तो तब तक तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ,
भैया इतना टाइम इसीलिए लगा ना क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड इट, तुमको पता चलेगा कि 1 या 2 सेकंड में फटफट हम स्क्वायर ढूंढ ले रहे हैं, हम फटाफट वर्ग ढूंढ ले रहे हैं, बस एक प्रैक्टिस का बात है। ठीक, नाउ 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 एक एक और नंबर हम देख लेते हैं, जैसे से 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 फॉर एग्जांपल 71 स्क्वायर, हमको स्क्वायर ढूंढना है 71 का, बराबर है। क्या करेंगे, स्क्वायर को 3 टुकड़े में बांटेंगे, 3 भाग में करेंगे। चलो चलो चलो, ये हमने 3 भाग किया, ठक ठक, ए के जगह पे है 7, बी के जगह पे है 1, ये अपना प्रमेय है, ये अपना आइडेंटिटी है, यूज करो। पहले कॉलम में बी स्क्वायर, हमेशा स्टार्ट राइट हैंड से कीजिए, हाँ क्योंकि कैरी लेना होता है ना, तो स्टार्ट हमेशा राइट हैंड साइड से करेंगे। बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज 1, बीच में 2ab, ये कमरा उसके लिए रिजर्व है, 2ab, ए इंटू बी 7 इंटू 1 इज 7, उसका दुगुना 14, यहां लिखा हमने 4, इधर आ गया 1, 7 स्क्वायर कितना है 49, बराबर 49 और 1 कितना हुआ 50, 50 हो गया, तो यहां हम लिख देंगे 50, तो स्क्वायर ऑफ 71 इज 5041। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।